हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से ट्रक ड्राइवर ब्लॉग से एक नए से वीडियो में। दोस्तों आज है भाई 14वां दिन यहाँ पे भाई रुके हुए, तो आपको भाई आज का भाई गाड़ी लगभग स्टार्ट हो चुकी है। और भाई केवल एक ही काम बाकी है, केवल भाई कांच लगाना बाकी है शीशा आगे का फ्रंट का, तो उसको भाई आज लगवाते हैं, आपको दिखाते हैं व्यू। तो वीडियो का दोस्तों बने रहेगा। फाइनली दोस्तों आज इंजन भी स्टार्ट हो गया पूरा, और देख सकते हो भाई अपनी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। भाई आज स्टार्ट तो भाई कल ही हो जाने वाली थी, कल ही भाई इसको यहाँ से ले जाते, लेकिन भाई कल बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी तो कल भाई चार्ज के लिए दिए थे। और बाकी सब भाई अपना स्टार्ट कर रहे थे यहाँ से ले जाने के लिए, बट भाई कल बैटरी डिस्चार्ज हो गई आपको जैसे कि मैंने पहले बताया, तो भाई फाइनली आज स्टार्ट हो गई है। अभी यार निकल रहे हैं कांच लगवाने के लिए यहाँ से, तो वीडियो का दोस्तों इन तक ज़रूर बने रहेगा। दोस्तों आपको अपनी गाड़ी दिखा देते हैं भाई, केवल भाई इसमें वायरिंग थोड़ा सा करना है, और वायरिंग भाई बल्ब का, और भाई कांच लगाना बाकी है, बस सब कुछ काम कंप्लीट। और भाई वही इंजन का आवाज़ सुनाते हैं आपको। और एक बार भाई केबिन के अंदर ये भाई सब सीट लगाना बाकी है, बस एक बार कांच लग जाए उसके बाद मस्त रहेगा। तो दोस्तों उस साइड हमें जाना है कांच लगवाने के लिए अभी फ़िलहाल, और अभी यहाँ पे दोस्तों हम थे कब से भाई, वो बिल्डिंग दिख रही है आपको वहीं के नीचे भाई अपना गैरेज है, वहीं पे भाई काम करवा रहे थे देख सकते हो। तो भाई अपन चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं भाई। देखो बहुत दिनों बाद भाई रोड पे भाई गाड़ी आ रही है, आज से भाई 15 दिन हो गया ना, नहीं 14 दिन हो गया भाई। तो देख सकते हो भाई कुछ इस तरह का व्यू, वाओ। चलते रहने में भाई मज़ा आता है, लेकिन भाई बैठ जाए गाड़ी तो आप सोच सकते हो कितना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई दिन काटने में। तो ये रहा भाई कुछ सीन व्यू, और मज़े के साथ इंजॉय कीजिए वीडियो को, और वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहिएगा। बहुत मज़ा आ रहा है यार, बस बहुत खुश है क्योंकि भाई रोड पर फाइनली आज गाड़ी आ गई गैरेज से भाई निकल कर। और बाकी भाई यही भाई इलाका था जहाँ पे भाई हम लोग रुके थे भाई 14 से 15 दिनों के लिए। तो देख सकते हो भाई कुछ इस तरह का व्यू। अभी भाई रोड पे जा रहे हैं, ये NH 8 नंबर मुंबई टू अहमदाबाद वाला रोड। तो अभी भाई इसके ब्रिज से नीचे से राइट मार के जाएंगे अपन कांच लगवाने के लिए उस साइड, उसके बाद से आपको दिखाते हैं भाई व्यू जो भी है। एक गजब सा लग रहा है भाई, फीलिंग गजब आ रही है, मतलब कि लग नहीं रहा है भाई कि रोड हम लोग चले थे कभी। चलो भाई वहाँ पे मिलते हैं। दोस्तों कांच के दुकान पर भाई कांच यहाँ पे लगेगा पूरा, अपनी ग्लास भाई जो भी है आगे का फ्रंट कवर भाई जो भी टूटा फूटा है। तो दोस्तों नाप लिया जा रहा है गाड़ी के शीशा का कांच का भाई, उसके बाद कटिंग होगा, उसके बाद हो जाएगा फिट। दिखाते भाई आपको व्यू पूरा, देखते रहिए वीडियो। और ये आ गया भाइयों, देख सकते हो अपना ग्लास कांच। अभी तो भाई शायद लेफ्ट साइड का बनाएंगे मिस्त्री जी, इसमें से भाई काटा जाएगा देखो मिरर। तो आपको भाई पूरा व्यू दिखाते हैं कैसे कटिंग होता है, क्या होता है भाई सीन। लेकिन भाई एक प्रॉब्लम हो गई थी, क्या हुआ था भाई जब फिटिंग कर रहे थे मिस्त्री साहब उस टाइम पर भाई था नहीं, क्योंकि भाई दूसरे काम में चला गया था, तो भाई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो उसके लिए भाई सॉरी। लेकिन भाई अभी जो जिस साइज़ का भाई काटिंग करेंगे उसका भाई पूरा फुल वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो आप देखिए भाई, पहले तो भाई मार्किंग कर रहे हैं जो भी भाई नाप लेकर आए थे उस पैड पर, तो उसके बाद भाई कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद लगा देंगे, लगाने के बाद भाई को भाई इस वीडियो को मतलब चलाएँगे। अभी फ़िलहाल इन्जॉय कीजिए क्योंकि भाई उस टाइम में बहुत बिजी थे ना भाई, दौड़ धूप करो करो ऐसा कुछ सीन हो गया था, तो इसीलिए भाई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया जब कांच फिटिंग हो रहा था। तो कांच फिटिंग हो जाने के बाद भाई मैं वापस आया, कहीं गया चला गया था भाई वापी की तरफ पेपर बनवाने के लिए। तो कुछ इस तरह से भाई कांच काटा जाता है देख सकते हो, वाह। थोड़ी सी सावधानी हटी भाई, दुर्घटना घटी देख सकते हो व्यू, मतलब दुर्घटना नहीं कर सकते यार, ऐसा नहीं कोई बात है, क्योंकि भाई वो कांच वाले को भाई को नुकसान हो जाएगा, नया कांच है भाई अपना। एक बात तो भाई मैंने पहली बार देखा है भाई, देखो दो कांच है भाई इसके अंदर पतला पतला, बीच में भाई एक प्लास्टिक टाइप का होता है, मेरे को लगता था भाई पहले ही एक ही कांच है। तो देख सकते हो भाई, मैं दिखाऊंगा भाई, एक मिनट भाई वेट कीजिए थोड़ा सा, आप कटिंग पहले देखिए
सुने भाई हम हीरे से काटा जाता है शीशे को। पता नहीं, देखो देखो भाई, दो आपको इसमें दिख रहा होगा। तो आप बताइए भाई, कांच को किस मेटल से काटा जाता है? पता नहीं, मैंने तो भाई पढ़ा था कहीं कि भाई हीरे से काटा जाता है। तो भाई यही सीन था लास्ट बार, क्योंकि भाई उस टाइम के बाद मैं चला गया था फास्टैग लाने के लिए अपने वापी के अंदर। तो उसके बाद मैं लौटा तो भाई कांच वगैरह सब कुछ लग चुका था और यहाँ से भाई गाड़ी जा चुकी थी। तो दोस्तों ये देखो अपनी गाड़ी कांच लगने के बाद कैसी दिख रही है भाई। ऊपर टूटा हुआ था एक कांच भाई, और दो ये, और एक साइड का भाई पूरा लगा दिया हमने कांच। इसमें का भाई रबड़ गया था, तो ये भी लग गया पूरा। तो भाई कांच लगाने के बाद अभी थोड़ा यहाँ पे टाटा वगैरह लिखवाना बाकी है। उसके बाद दोस्तों देखो पहले जैसा भाई कुछ इस तरफ से यहाँ पे पट्टी डालेगा ना लाल वाला, तो मस्त दिखेगा। और कुछ इस तरह से भाई कांच लगने के बाद गाड़ी दिख रही है, क्या मस्त दिख रहे हो ना भाई। तो भाई अभी सामान पूरा सीट वगैरह को डालना भी बाकी है, लेकिन भाई उससे पहले भाई अभी काम करवाना अभी भाई फिलहाल बाकी है। बिकॉज भाई इंजन का जो काम हुआ है ना, अभी रेड वाटर वगैरह सब कुछ डलाया है भाई नया, क्योंकि फूट गया था पूरा, तो उसका भाई काम बाकी है। ऊपर से भाई दो दिन का और काम बाकी है, क्योंकि भाई हब ग्रीसिंग करवाना है। क्योंकि भाई ऐसा है ना सिस्टम, आज संडे सैटरडे पासिंग के लिए जाना था हमें, लेकिन पासिंग होगा नहीं आज, वैसे भी भाई हाफ टाइम लगता है। तो अभी भाई छूटे तो सोचो आपकी, मतलब अभी टाइम हो गया भाई आपका 2 बज गया दोपहर का, तो खाना पीना सब कुछ करते करते भाई ये टाइम हो गया। तो अभी जाएंगे तो कुछ होगा नहीं, तो यहीं पर भाई हब ग्रीसिंग दो दिन या ढाई दिन या डेढ़ दिन भाई लगेगा, तो यहीं पर भाई रुक के करवाएंगे अपन। और क्या है भाई, अभी मैं आपको दिखाता भाई पूरा कांच जो फिटिंग हो रहा था ना उसको दिखाता, लेकिन भाई चला गया था मैं फास्टैग लेने के लिए। ये जो भाई अपना फास्टैग लगा है ना, ये फास्टैग लेने के लिए भाई चला गया था उस टाइम, इसलिए भाई रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उसके लिए भाई सॉरी। तो चलो भाई हो, आज का भाई पूरा व्यू थोड़ा बहुत दिखाऊँगा आपको जो भी करूँगा, अभी तो भाई वही कर रहा हूँ मैं फिलहाल। अब एक खुशी की बात तो ये भी है भाई कि मतलब आज ये गाड़ी रोड पर आ गई, और भाई गाड़ी पूरा फिट करवाते करवाते शायद अभी 2 दिन और जाए, क्योंकि भाई मतलब जो भी काम था भाई पूरा हमने करवा ही दिया रिपेयरिंग का जो भी भाई भाई। उसके बाद थोड़ा बहुत है जो भी करवा रहे हैं, क्योंकि आज और संडे को भाई पूरा दिन फ्री है, उसके बाद भाई मंडे बार को भाई काम अपना कंप्लीट मतलब पूरा होगा जो भी काम, और मतलब पासिंग का काम होगा भाई। तो आपको दिखाते एक बार भाई आगे का व्यू पूरा।